हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसी गाड़ी को कवर करेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिल से होता है। यहाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, जो कि आप लोगों ने इस समय खूब तगड़े से ऐड देखे होंगे। रॉयल एनफील्ड की क्लासिक के स्टील तो ब्लैक कलर का जो है बहुत ऐड आ रहा है, तो आज हमने सोचा क्यों ना इसी को कवर किया जाए। और इसके क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स हैं और ऑन रोड प्राइस कितना आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी जाए आपसे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हो हमारे सामने जो है यहाँ पे खड़ी हुई है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जो कि हमारी स्टील ब्लैक कलर में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके चाबी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो ये मिलती है हमको चाबी, और चाबी देख सकते हो कि ये हमको जो वेब फॉर्म में चाबी मिल रही है। तो भाई, जिस कॉस्ट में हम लोग दे रहे हैं उस कॉस्ट के हिसाब से हमें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। बाकी इस चाबी पे हमें रॉयल एनफील्ड की जो है बैचिंग मिल जाती है। बाकी बात करें हम लोग सामने से अगर रॉयल एनफील्ड के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आके बात करें, इसमें हमें यहाँ मिल जाते हैं टाइगर लैम्प्स। अब इसको टाइगर लैम्प्स क्यों कहते हैं, हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। गाड़ी को ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके टाइगर लैम्प्स कैसे लग रहे हैं। बाकी ये हेलोजन में हमको लैम्प्स मिलते हैं, हेलोजन में लाइट मिलती है, हेलोजन में इंडिकेटर्स मिलते हैं। एलईडी का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो इसका थ्रो, इसमें देखो यार हेलोजन लैम्प ही मिलता है हमको, एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कंपनी के तौर पे इसमें जो इसमें एलईडी का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट कोई नहीं, थोड़ा सा दुख सह लेंगे क्योंकि ये गाड़ी जो है हमारे सीधे जो है दिल में जगह बनाती है। फ्रंट सेक्शन में बात करें, यहाँ पे हमें 41mm के जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है क्योंकि हमें 41mm के मिलते हैं। ऐसे में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बहुत सारी बाइक्स में मिलता है, बट इतना अच्छा और इतना बड़ा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इंजन बहुत कम ही बाइक्स में हमें मिलता है देखने को। बाकी हम बात करें इसके मडगार्ड के क्वालिटी के बारे में, एक तो ये कलर हमारा बिल्कुल जो है मैट में है और काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लगता है। फिलहाल ऊपर से बात करें कि इसमें हम, तो इसमें ये जो हमको मेटल में मिल जाता है। टायर प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो टायर प्रोफाइल जो हमको मिलती है 190 सेक्शन का हमको टायर मिल जाता है, और 19 इंचेस के इसमें हमको अलॉयज मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको जो है 19 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 190/19 इंच, यानी कि इसकी टायर की प्रोफाइल। बात करें यार देखो इसके डिस्क ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमको 320mm की जो है डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और इसमें जो हमको ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं बाइब्री के। यहाँ पे बात करें हमको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, और बाकी इसमें डुअल चैनल ईबीएस है, तो यहाँ पे ईबीएस की प्लेट भी लगी हुई है। बाकी अभी हम लोग बढ़ते हैं इंजन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके पीछे वाले टायर की प्रोफाइल को जो बारे में जो है बता देते हैं आपको, और पीछे का सेगमेंट भी हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे वाला टायर, पीछे वाले टायर की प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 120/80/18 इंच के। पीछे जो हमको 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं, और 120/80 सेक्शन की जो हमको टायर प्रोफाइल मिलती है। पीछे जो हमको डिस्क ब्रेक मिलती है वो हमें मिलती है 270mm की, उसमें भी जो हमको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं, साथ में जो इसमें डुअल चैनल ईबीएस की जो है प्लेट लगी हुई है। पीछे वाले सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें हमको जो है ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से क्योंकि यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें, गाड़ी हमारी जो है पूरी मेटल से बनी हुई है, तो गाड़ी की क्वालिटी के बारे में काफ़ी बढ़िया है। साइड लुक से देखें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और ऊपर से भी जो हमारी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। साइड कवर्स में बात करें, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई क्लासिक 350 का, ऊपर से इसमें जो है जो रेड कलर के जो स्टिकर्स इस्तेमाल करेंगे, रेड कलर्स का जो हाईलाइट किया गया है इस ब्लैक स्टील ब्लैक कलर में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और इसका एड भी खूब ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसको कवर करते हैं हम लोग। पीछे सेगमेंट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पीछे जो हमको जहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, पीछे भी हमें एलईडी लाइट्स के साथ यूज़ नहीं किया गया है, हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, हेलोजन लाइट मिलती है। और टेल टाइडी के बारे में बात करें, तो काफ़ी बढ़िया पीछे हमें जो पूरा सेक्शन जो है हमको मेटल में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें मिलती है रॉयल एनफील्ड की बैचिंग। अभी हम बात करेंगे इसके सीट कंफर्ट के बारे में भी, और इसकी मीटर की तरफ भी बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं, इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई सिंगल चैन कवर, और सस्पेंशन मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। बाकी इसमें सीएट के टायर्स इस्तेमाल करे गए हैं, और पीछे वाले जो मैंने बताया आपको 120/18 इंच के जो है टायर की सेक्शन प्रोफाइल हमारी है। इस साइड जो हमको साड़ी गार्ड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिलता है, फुटपैक की क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। नहीं यार, फुटपैक की क्वालिटी ठीक दिया है इन्होंने, बेटर नहीं है, इसमें जो है फुटपैक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी रिलायबल है, और ये रबड़ का जो इन्होंने जो इस्तेमाल किया है ना वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी लग रहा है। जब आप छुओगे ना, फील करोगे ना, तब ज़्यादा आपको पता चलेगा। ऐसे मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी चीप क्वालिटी, बट देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे जो है काफ़ी अच्छा जो इसकी क्वालिटी है। बाकी यहाँ पर भी जो हमको फुटपैक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। गाड़ी में हमें जो है 5 गियर मिलते हैं। इंजन के बारे में हम लोग बात करें, तो इसमें इंजन जो हमको 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर और ऑयल कोल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि हमारा काफ़ी बढ़िया है। और पावर कितनी प्रोड्यूस करता है, तो भाई 20.21 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी अगर हम बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 170mm का हमको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, सिंगल स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके सीट हाइट के बारे में, तो 805mm की जो इसके सीट हाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है।
बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टैंक की तरफ। तो यहाँ पे हमको जो है रॉयल एनफील्ड की जो बैचिंग है, जो ब्रांडिंग करी गई है, वो हमको जो है 3D में मिलती है। साथ में जो है यहाँ पे हमको टैंक पैड भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब इसमें एसेसरीज देखो, दो चीज़ लगी हुई है, जो कि लेग गार्ड यहाँ पे जो है एसेसरीज में, और सीट कवर पे है। सीट कवर और लेग गार्ड आपको जो है ये एसेसरीज हैं, तो ये जो आप बिना हटा के भी जो है ले सकते हो। फिलहाल अभी इसकी प्राइसिंग को भी हम लोग कवर करेंगे, उससे पहले बात करें सीट कंफर्ट के बारे में। राइडर का सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, और इसमें पीछे के सीट कंफर्ट के बारे में भी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस साइड देख सकते हो हमको जो है ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, मेटल का इसमें इस्तेमाल किया गया। बाकी आप चाहो तो ऐसा जो है बैक रेस्ट भी आप जो है अपनी बुलेट में लगवा सकते हो। बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो रेड कलर की, काफ़ी प्रीमियम लगती है, और गाड़ी का जो मैट कलर है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हो, तो 30 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज के बारे में अगर हम बात करें, तो गाड़ी जो है आपकी 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज बहुत आराम से दे देती है। 30 किलोमीटर प्रति लीटर का जो है आपको एवरेज हो सिटी में तो आराम से मिल ही जाता है। बाकी आपके वो चलाने पर डिपेंड करता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके हैंडल सेक्शन में, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल रॉड हैंडल मिल जाता है हैंडल्स की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पे बटन मिलता है, बाकी यहाँ से पास आप कर सकते हो। इस साइड इंडिकेटर के लिए हमको जो है यहाँ पे बटन दे के रखा हुआ है। नीचे मिलता है आपको हॉर्न, हॉर्न साउंड सुना देता हूँ। हॉर्न साउंड जो है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लाउड है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और बुलेट्स के मामले में आपको जो है वैसे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यार यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको मिलता है USB पॉइंट, जिससे कि आप अपना जो है फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर हम राइट हैंड साइड पे बताएं, तो यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच बटन सब देता है, और यहाँ पे हमको मिलता है भाई हैज़ार्ड लैम्प ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो लैंप्स हैं और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो कैसे लगते हैं। अब देखो ये हैलोजन है, इसीलिए हमको जो इस तरह से लगते हैं। बाकी अगर कहीं इसमें LED आप लोग लगवा देते हो और LED लाइट्स लगवा देते हो, मॉडिफिकेशन आप लोगों को पता ही कि इसमें कितनी सारी मॉडिफिकेशंस करी जा सकती हैं। सो आप लोग जो है एक बार गाड़ी लेके मॉडिफिकेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हो। और टूरिंग के लिए भी जो है ये बाइक काफ़ी अच्छी है, क्रूज़र बाइक है, एकदम मस्त मौला चलाने में एकदम अच्छी लगती है। पीछे से प्रोफाइल जो है आपकी कुछ इस टाइप से लगती है। अब आपको सुना तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड, इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। गाड़ी के साउंड की क्वालिटी भी जो है काफ़ी दमदार है और काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैं बात करूँगी यार ये पीछे वाला जो ब्रेक की क्वालिटी है, ब्रेक की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें देखूँगी रबड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करी गई है, और इस साइड पे जो हमको इंजन पे जो है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है। अब देखो ये सब चीज़ें मैंने बताया, अब इसमें हाईलाइट क्या होता है, अगर आप देखो ये बाइक ले रहे हो तो इसमें जो आपको टायर पे जो रेड कलर के स्टिकर जो यहाँ पे एक लाइन दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती है। आगे के साथ साथ आपको जो पीछे भी मिलती है, इस साइड भी रेड कलर की मिलती है, तो रेड कलर के बहुत मिनिमलिस्टिक जगह पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जहाँ भी इस्तेमाल किया गया है वो डायरेक्ट आपको जो है आँखों में लगेगी, जिससे कि आपकी गाड़ी हाईलाइट होगी, तो ये काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट मिल जाता है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर की तरफ, तो मीटर आपको पुराने जैसे मिलता है, आपको जो है सेमी डिजिटल मीटर मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है मोड का बटन इस साइड मिलता है, यहाँ से आप अपना जो है ट्रिप ए ट्रिप बी सब चेक कर सकते हो। ओडोमीटर आपको दिखा देगा, बाकी कितना जो है माइलेज है ये अभी भी जो है इसमें नहीं दिखता, टाइम मिल जाएगा। फ्यूल मीटर आपको इसके अंदर मिलता है, पहले फ्यूल मीटर नहीं मिलता था, अब इसमें जो है फ्यूल मीटर भी मिलता है। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलता है, बाकी जो है लाइट्स आपको जो है ऊपर देखने को मिल रही है सारी। तो यही थी हमारी कुछ गाड़ी इसी प्रकार से, अगर मैं बताऊं। बाकी मैंने इसकी गाड़ी के पूरी डिटेल्स को कवर करके रखा हुआ है, मैंने इसका एवरेज हर चीज़ आपको बताया, एवरेज भी बताया हुआ है, क्या इसकी कॉस्ट है वो अभी हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आप जो है रॉयल मोटरवर्क्स पे आ सकते हो, जो कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लोकेशन सब डाल के रखी हुई है, मैप लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात कर ले कि भाई बुलेट क्लासिक 350 ब्लैक ये स्टील ब्लैक कलर की कितनी पड़ती है, तो भाई एक शोरूम प्राइसिंग जो इसकी 2,20,991 रुपीज़ की पड़ती है। और अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आप लोगों को रॉयल मोटरवर्क्स आना है, जो कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज पे पड़ता है। फिलहाल बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग लखनऊ में कितनी है। इसकी ऑन रोड प्राइसिंग लखनऊ में हमें पड़ेगी 2,70,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2,70,000 में आपको क्लासिक 350 मिल जाएगी, जो कि हमारी स्टील्थ ब्लैक कलर में है। और इसके एड्स आ रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें आपको कवर किया जाए। बाकी मैंने इसके सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स को कवर करके रखा हुआ है, माइलेज भी मैंने बताया है। बाकी आपको अगर इसकी रील्स और हिडन फीचर्स देखना तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम स्वप्निल ऑटो मोटो, जो कि हमारा इस साइड में आ रहा होगा। और कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए कॉमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम।